कीजिए ऑनलाइन क्लासेस में। आज के मॉडल प्रैक्टिस सेट के 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, ठीक है बच्चों, यानी कि 6 मॉडल प्रैक्टिस सेट, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6, उसके 25 क्वेश्चन है इंग्लिश के। अथवा अथवा का मतलब होता है या तो आप 25 नंबर की इंग्लिश कर लीजिए या 25 नंबर की हिंदी कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो जनरल इंग्लिश देखते हैं, तो जनरल इंग्लिश के देखिए 76 से 77 के डायरेक्शन पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस मे हैव एरर्स, फाइंड आउट विच पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। इफ ए सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर सेलेक्ट नो एरर, यानी कि अगर एरर है तो आपको एरर सेलेक्ट करना, नहीं है तो नो एरर करना, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, वी लुक फॉरवर्ड टू एन, ठीक है, सक्सेसफुल वर्किंग रिलेशनशिप इन द फ्यूचर नो एरर, ठीक है। तो नो एरर यानी कि फोर है आपका नो एरर। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर, सुनिएगा। हाँ तो देखिए राइट आंसर होगा बच्चों फर्स्ट, यानी कि वी लुक फॉरवर्ड टू एन, ठीक है। तो फर्स्ट वाला राइट आंसर है इस क्वेश्चन का आपका। नेक्स्ट आगे देखते हैं, टीचर्स डे शैल बी ऑब्जर्व एज नॉन टीचिंग डे इन अवर कैंपस नो एरर, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से राइट आंसर चुनिएगा। तो देखिए राइट आंसर होगा आपका टू, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा आपका टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट फिर से डायरेक्शंस आ गए हैं बच्चों। डायरेक्शंस देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड करना है, ठीक है बच्चों, फिल्ड इन विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर, यानी कि फोर में से आपको सही वर्ड चुनना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78, व्हेन वी गोट होम लास्ट नाइट वी फाउंड दैट द यू, तो देखिए ये आपके खाली स्थान पर क्या आएगा। तो चार ऑप्शन से दे रखे हैं, तो जल्दी से आप राइट आंसर चुनिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हैड अराइव, राइट आंसर क्या होगा बच्चों हैड अराइव, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन होगा हैड अराइव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थ्रो ए स्टोन, थ्रो माने होता है फेंकना, थ्रो ए स्टोन स्टोन ब्लैंक, ठीक है, द फायर्स कैट, ठीक है, फायर्स कैट। तो देखिए ये ब्लैंक स्थान पर क्या आएगा, चार ऑप्शंस दे रखे हैं, जल्दी से राइट आंसर बताइए। हाँ तो देखिए राइट आंसर होगा एट, यानी कि थ्रो ए स्टोन एट द फायर्स कैट, ठीक है। तो यहाँ प्रीपोजिशन क्या आएगी बच्चों एट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, डायरेक्शंस यानी कि फिर से डायरेक्शंस बच्चों, आज मौसम बहुत सुहाना है, बारिश भी हो रही है, ठीक है, आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए डायरेक्शंस देखते हैं 80 से 82 क्वेश्चन के। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसिस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, ठीक है बच्चों। तो बेस्ट एक्सप्रेसिस, बेस्ट मीनिंग आपको देना है आंसर,
ठीक है, सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ओब्लाइगेशन। ओब्लाइगेशन, तो ओब्लाइगेशन का बेस्ट मीनिंग क्या होगा? तो बच्चों बताइए आप राइट आंसर। हाँ तो देखिए राइट आंसर होगा आपका बच्चों थ्री, कमिटमेंट। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑब्लाइगेशन का मतलब होता है कमिटमेंट। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना, आपने अपने उत्तर की जांच कर ली होगी। मुझे आशा है तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है बच्चों, एग्ज़ाम पास हो, नज़दीक हो, दूर हो, हमें अपनी तैयारी बराबर करते रहना है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटोरियस। तो नोटोरियस का मीनिंग देखिए क्या है, आप जल्दी से बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो नोटोरियस का मतलब होगा बच्चों राइट आंसर होगा फर्स्ट। नोटोरियस का मतलब राइट आंसर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोटोरियस बच्चों दोबारा से डब्ड हो गया है, ठीक है, दोबारा से प्रिंट हो गया है। तो नोटोरियस का मतलब है फर्स्ट। ठीक है, राइट आंसर क्या है? नोटोरियस का मतलब फर्स्ट। ठीक है, डिस्क्रिप्टेबल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है SAVAG, सेव। तो सेव का सही आंसर क्या होगा बच्चों? तो जल्दी से राइट आंसर बताइए 82 का। तो राइट आंसर होगा बच्चों आपका ब्रूटल। ठीक है बच्चों, तो राइट आंसर क्या होगा? ब्रूटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए डायरेक्शंस यानी कि 83 से 85 इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आउट ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन विच इज अपोजिट इन मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। आपको अपोजिट मीनिंग देखना है। अपोजिट का मतलब होता है बच्चों उल्टा, तो अपोजिट वर्ड आपको छांटना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, आगे चलते हैं। तो देखिए SOLAC, सोलेस। सोलेस का अपोजिट मीनिंग छांटिए जल्दी से। तो देखिए इसका सोलेस का अपोजिट मीनिंग होगा डिसहार्मोनी। ठीक है बच्चों, तो इसका ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैदर, GATHER, गैदर। ठीक है बच्चों, तो गैदर का अपोजिट आपको ढूंढना है। तो माय डियर जल्दी से ढूंढिए। तो 84 का राइट आंसर होगा आपका 4। तो गैदर, तो गैदर का मतलब एक साथ, तो अपोजिट का मतलब होगा डिवाइडेड, DIVID, डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है भाग करना, बांट देना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। इंड्यूसी। ठीक है, तो राइट आंसर चुनिएगा 85 का। राइट आंसर होगा आपका 4। प्रीवेंट, क्या होगा बच्चों? प्रीवेंट। ठीक है, और स्पेलिंग इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा जितनी स्पेलिंग याद करेंगे उतनी वोकेबिलिटी बढ़ेगी और इंग्लिश हमारी मजबूत होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्शन 86 से 87 इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, आउट ऑफ द फोर गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग
ऑफ द इडियम्स एंड फ्रेजर्स। तो आपको इडियम्स और फ्रेजर्स, बच्चों इडियम्स फ्रेजर्स का मतलब होता है बड़ी बात को छोटे शब्दों में कह देना, ठीक है। तो आपको इडियम्स फ्रेजर्स छांटने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए वर्निंग क्वेश्चन। तो ए वर्निंग क्वेश्चन का मीनिंग देखिएगा जल्दी से। एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देखिए इसका मीनिंग है आपका एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ए वर्निंग क्वेश्चन का मतलब है एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाई हुक और बाई क्रुक, बाई हुक और बाई क्रुक, ठीक है, CROOK, क्रुक, बाई हुक और बाई क्रुक। तो जल्दी से छांटिएगा, बहुत आता है बच्चों ये, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, कंपटीशन में अक्सर ये वर्ड आता है। तो राइट आंसर होगा आपका वाई ऑल मीन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। डायरेक्शंस 88, 89, इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। आपको ब्रैकेट में इम्प्रूव करना है, चेंज करना है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। लास्ट मंथ ही मेक्स न्यूज विद हिज गो वाइस्टेन कमेंट टू द लीडर्स ओवर आउट स्टेट नेडिंग न्यूज, ठीक है। तो देखिए ही विल मेक न्यूज विद हिम, ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन आंसर छांटिएगा, ये चार विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। राइट आंसर होगा आपका टू, ही मेड न्यूज विद हिज, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 89, द टर्म्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप वर्ड वी वेस्टाइल इन्फीरियर ऑन कंपेरिजन्स विद द बेनिफिट्स ऑफ फुल मीनिंग मीन वर्शिप, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से राइट आंसर चुनिएगा, चार ऑप्शंस देखिए आपके सामने हैं 89 के। तो राइट आंसर होगा देखो बच्चों इन्फीरियर इन, क्या आएगा आपका इन्फीरियर इन, ठीक है, इन्फीरियर इन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से डायरेक्शंस आ जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो डायरेक्शंस इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आउट ऑफ द फोर गिवन अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सूटेबल ऑफ द फ्रेजेस। तो आपको बेस्ट सूटेबल फ्रेजेस वर्ड आपको चुनना है, ठीक है बच्चों। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 चल रहा है, जिसमें ये इंग्लिश के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 90 आपके सामने है, ठीक है। तो ए वुमेन हु एंटरटेन गेस्ट, ठीक है, तो क्या करती है बच्चों, जल्दी से राइट आंसर चुनिएगा। ए वुमेन हु एंटरटेन्स गेस्टिस, यानी कि गेस्ट मतलब अतिथि होगा। तो राइट आंसर होगा आपका होस्टिस, ठीक है, जो बसें चलती हैं या एयरबस चलती हैं उनमें होस्टिस होती हैं, ठीक है, वो एंटरटेनमेंट्स करती हैं गेस्टिस का। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ए रिमाइंडर ऑफ समथिंग, राइट आंसर होगा मेमेंटो,
मी एम ई एम ई एन टो मी मेंटो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्शंस 92 से 93। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए वर्ड हैज बीन इन फोर डिफरेंट वेज आउट ऑफ विच ओनली वन इज करेक्टली स्पेल्ड, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो चार वर्ड आपको दिए गए हैं 92 में, तो जल्दी से यानी कि जिसमें गलती है उसको छांटिएगा और करेक्ट शब्द छांटिए। तो राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट। राइट आंसर क्या है आपका? फर्स्ट। ठीक है बच्चों, स्पॉन्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें करेक्ट वर्ड छांटिएगा। तो राइट आंसर होगा आपका थ्री, सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट। सैटेलाइट ये भी गलत है। ठीक है, ये बच्चों ये सही है सैटेलाइट, ये रॉन्ग। ठीक है, ये रॉन्ग और ये भी रॉन्ग, तो ये मीनिंग सही है सैटेलाइट का, ऐसे टी एल एल आई टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्शंस यानी कि रीअरेंज करना, रीअरेंज का मतलब दोबारा से उन्हें सही क्रम में करना है। द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, यानी कि सही ऑर्डर में आपको रीअरेंज करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये सेंटेंस दे रखे हैं पी क्यू आर, इसको हमें सही लिखना है, ये गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, पहला कौन सा आएगा? ए कंट्री कैन नॉट, ए कंट्री कैन नॉट। तो जल्दी से सेंटेंस पूरा करिए। तो 94 का राइट आंसर होगा आपका फोर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला क्या आएगा? आर, सबसे पहले ये आएगा फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, आर, फिर क्या आएगा? क्यू, फिर क्या आएगा आपका थर्ड नंबर पे? पी। ठीक है बच्चों, तो आर क्यू पी आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरी वन शुड यानी कि एवरी वन शुड, प्रत्येक को चाहिए, एवरी वन शुड। तो जल्दी से राइट आंसर चुनिएगा। तो राइट आंसर होगा 95 का टू, क्यू आर पी। ठीक है बच्चों, क्यू आर पी। तो देखिए फर्स्ट नंबर पर आपका क्यू आएगा, ठीक है, सेकंड नंबर पर आर आएगा, ठीक है, थर्ड नंबर पर आपका पी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्शंस इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड हैव बीन लेफ्ट आउट, रीड द पैसेज केयरफुली, यानी कि हमें बहुत सावधानी से पैसेज पढ़ना है। ठीक है बच्चों, बहुत सावधानी पूर्वक पैसेज पढ़ना है। एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ब्लैंक्स आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स, तो चार अल्टरनेटिव्स में से हमें सही आंसर चुनना है। ठीक है बच्चों, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, इंडिया इज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, मेंट हैज द स्टेट ऑफ द विद। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स इंडिया इज अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है जो रोजगार पे नहीं होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स इन द स्टेट ऑफ बींग विद आउट अपॉर्चुनिटी ऑफ द अर्निंग्स लाइफ गुड इन द गुड ओल्ड गुडन डेज व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वॉज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देयर वॉज हार्डली ए पर्सन हु वाज नॉट अनएम्प्लॉयड इन सम वॉज द और अदर टू अर्न। ठीक है, व्हाट इज द सिचुएशन नो लॉन्ग एक्सिस्ट इन द दोज डेज मोस्ट लाइव इन द प्यूरल राइस एंड ड्यू सेंट ऑन द एग्रीकल्चर एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, व्हाट इंडस्ट्रियर ब्राउड अबाउट ए चेंज इन द सिचुएशन इट इंट्रक्टेड मैनचिस एंड एज द सिंगल मैचिंग कैन डू द वर्क ऑफ मैनी मीन इट नेचुरल
थ्रो मे पर्संस आउट ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है बच्चों, तो मेंट नो डाउट डाउट दिस इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन हैज ग्रेटली दैट वांट्स ऑफ द ओपन अप मैनी न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 96, तो जल्दी से राइट आंसर चुनिए चार में से। डायरेक्शंस आपने पढ़ लिए हैं, राइट आंसर होगा आपका 96 का फर्स्ट। 97 का चुनिएगा राइट आंसर, तो 97 का राइट आंसर होगा आपका 2। ठीक है, 97 का राइट आंसर होगा आपका 2 इसमाला। 98 का राइट आंसर क्या होगा आपका 3। ठीक है, 3। 98 का क्या होगा राइट आंसर आपका 3। 99 का राइट आंसर क्या होगा आपका 99 का राइट आंसर होगा बच्चों आपका 4 सिविलाइजेशन। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा सिविलाइजेशन, राइट आंसर क्या होगा सिविलाइजेशन। 100 का आंसर देखिए इंक्रेस्ट फर्स्ट इंक्रेस्ट। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के पूरे हुए बच्चों। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप सभी ने अपने क्वेश्चन चेक करे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी को जांचा होगा। ठीक है, CISF में आपका 100% सक्सेसफुल सफलता प्राप्त होगी बच्चों। ठीक है, लेकिन तन मन धन से बच्चों लगे रहो, और बच्चों प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन ऑल प्रेस करें ताकि मेरी जितनी भी वीडियो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। ठीक है, और सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है बच्चों, और मेरी मेहनत कामयाब हो जाए, मैं आपको सफलता के मुकाम पे देखना चाहता हूँ। बच्चों सभी को मैं CISF हेड कांस्टेबल एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद मैं बधाई देना चाहता हूँ, और आप देश की सेवा करें बच्चों तन मन धन से। ठीक है बच्चों, यही मेरा सपना है, मैं आपके लिए जीऊँगा और आपके लिए ही मरूँगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, प्लीज़ बच्चों मुझ गरीब को भी लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है बच्चों, टिकटॉक हेलो ऐप और अन्य ऐपों पर कम ध्यान दें। ठीक है, पढ़ाई के ऐप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं बच्चों, जितना मुझसे अच्छा प्रयास होगा उतना मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मेहनत करूँगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत।